अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको चना दाल गोश्त की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो कि है शाहजीरा, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 हरी इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 अदद बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 4 से 5 हरी मिर्चें, और ये तकरीबन 1 kg बकरे का गोश्त होगा, और ये होगी लौकी। मसालों में हमें चाहिए ज़ीरा और काली मिर्च 1 teaspoon, हल्दी 1 teaspoon, नमक हसबे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, देगी मिर्च, और ये होल स्पाइसेस, जिसमें हमें चाहिए होगा 2 बड़ी इलायची, ये हो गया जायफल, जावित्री, स्टार एनीस, 6 से 7 लौंग, 3 हरी इलायची। अब आइए देखते हैं हम इसे बनाना कैसे है। अब हम इसमें जो अपने तड़के के लिए स्पाइसेस रखे थे वो डाल देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब प्याज डालेंगे। अब जो खड़े मसाले थे और पिसे हुए मसाले थे, हम सबको मिक्स करके मिक्सी जार में पीस लिए हैं। यहाँ प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें डाल देंगे। प्याज हमारा हल्का गोल्डन हो गया, अब हम इसमें गोश्त डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और ये सारे मसाले डालेंगे, और इसको अच्छे से चला लेंगे। हमने सारे मसाले मिला लिए हैं, अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से पकड़ ना ले। ढक्कन रख देंगे इस पर, और 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ओके जी, जब हमारा मटन इस स्टेज पे आ जाएगा तो हम इसमें दाल डाल देंगे। ये हमारी मिर्ची थी, इसको भी डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे, इसको अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद फिर ढक के रख देंगे। ओके जी, अब हम इस स्टेज पे आके लौकी डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से चला देंगे। ढक्कन ढक देंगे फिर से। ओके जी, ये हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है, अब इस स्टेज पे आके हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे। मटन में टमाटर पहले इसलिए नहीं डाला जाता क्योंकि टमाटर थोड़ा तुरश होता है, जिससे मटन गलने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब इसको ढक देते हैं फिर से। ओके जी, ये देखिए हमारा गोश्त गल गया है, मसाला भुन गया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यह है मेरे दाल गोश्त का फाइनल लुक, आप इसको बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।